नाजरीन, आईसीसी वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में नीदरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। भारत में जारी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपने मुहिम का आगाज आज से कर रही है, जबकि ग्रीन शर्ट्स और नीदरलैंड के दरमियान मैच हैदराबाद दखन में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, फखर जमां, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, शाहीन शाफरीदी और हसन अली शामिल हैं। टॉस के बाद की गई गुफ्तगू में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि आज के मैच में वर्ल्ड कप का अच्छा आगाज करेंगे, 290 या 300 प्लस रन करने की कोशिश करेंगे। नीदरलैंड के कप्तान का कहना था कि पिच दूसरी इनिंग में बैटिंग के लिए साजगार होगी। उसके अलावा फास्ट बॉलर हसन अली का कहना था कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होना मेरे लिए एजाज की बात है, मैं अपने तजुर्बे से टीम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी देने की कोशिश करूंगा, जबकि किसी भी टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतना बहुत अहम होता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।